हाय एवरीवन, दिस इज टिंसी। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी का पार्ट टू। देखो, लास्ट पार्ट में हमने कवर किया था एक फीचर के बारे में डेमोक्रेसी की, कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए वो हमारा इलेक्ट होना चाहिए पीपल के द्वारा, और साथ ही साथ में जो मेजर डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके हाथ में होनी चाहिए, उसी बंदे के हाथ में जो कि इलेक्ट होकर के आया है। हमने केस जाना था पाकिस्तान का कि वहाँ पर कैसे जो गवर्नमेंट थी वो नॉन डेमोक्रेटिक हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ और आगे के फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो देखो, हम अगला जो फीचर है वो जानेंगे एक एग्जाम्पल से, चाइना के। अब चाइना पाकिस्तान हमारे कुछ ज़्यादा ही खास मित्र हैं, इसलिए हम उनका ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाइना में इलेक्शन कराए जाते हैं रेगुलरली आफ्टर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के बाद हर बार इलेक्शन होंगे। रेगुलरली हो भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, चलो इसमें कोई कमी दिखाई नहीं दे। तो ये जो इलेक्शन होते हैं वो किसके लिए होते हैं, जो पार्लियामेंट है उसके लिए, और जो पार्लियामेंट है उसका नाम है क्वांगो रेनमिन दबायो दाहुई। आई एम सॉरी अगर मैंने इसको गलत प्रोनाउंस किया हो, हम इसको बोल करके चलेंगे नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। इसमें 3,000 मेंबर होते हैं। कौन है ये 3,000 मेंबर, चलिए उनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। देखो, जो मेंबर है इलेक्ट होकर के आते हैं पूरे चाइना से, साथ ही साथ में कुछ कुछ मेंबर्स होते हैं इसमें जो होते हैं आर्मी में से, पर इसमें तो हमें कोई बुराई नहीं दिख रही। पर जो अभी आंसर है जो मैं बोलने जा रही हूँ, अब इसमें बुराई होगी और इसमें हमें पता चलेगा कि हम इस गवर्नमेंट को क्यों नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। जो भी बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्शन में उसको अप्रूवल की जरूरत होगी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, और जो मेंबर बन जाएगा इस पार्टी का या फिर इसकी जो अलाइड पार्टीज हैं 8, उसका वही जो है पार्टिसिपेट कर सकेगा इलेक्शंस में, ओके। अब आते हैं पार्लियामेंट की बात पे। जो पार्लियामेंट है उसको पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, वहीं से जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होकर के आएगा। और हमें देखने को मिलता है कि जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है वो फॉर्म होते हुए आ रही है कम्युनिस्ट पार्टी की, और ये दिक्कत हमें देखने को मिलती है चाइनीज गवर्नमेंट में। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं मेक्सिको का। मेक्सिको जो इंडिपेंडेंस है वो मिलती है 1930 में। हर 6 साल बाद यहाँ पर इलेक्शन होते हैं और इसी से इलेक्ट होकर के आता है प्रेसिडेंट। कोई मिलिट्री डिक्टेटर रूल कुछ नहीं देखने को मिलता है हमें यहाँ पर, 2000 तक सिर्फ यहाँ पर एक ही पार्टी जीतती हुई आ रही है। भाई कैसे? इनको जाना जाता है कि इन्होंने काफी सारी मेल प्रैक्टिस करी है, काफी सारे गलत तरीके अपनाए हैं इलेक्शंस जीतने के लिए। क्या है वो तरीके, देखिए, जो एम्प्लॉयज होते हैं गवर्नमेंट के उनको ये लोग फोर्स करते थे कि हर पार्टी मीटिंग्स में आइए, आप अटेंड करो इनकी पार्टी मीटिंग्स। साथ ही साथ में जो गवर्नमेंट टीचर्स होते थे उनको बोला जाता था फोर्स करो तुम पेरेंट्स को PRI को वोट करो। तो देखो, मीडिया बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी गवर्नमेंट के आने में और किसी भी गवर्नमेंट के जाने में, या फिर किसी की भी फेम को लेकर के। यहाँ पर वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि पूरा अच्छा अच्छा बात पूरा PRI का बताया जा रहा है हर समय TV पे, तो हमें देखने को वही मिल रहा है। साथ ही साथ में हमेशा क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है अगेंस्ट जो भी पार्टी है अपोजिशन में उनके खिलाफ। समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता था कि जो पोलिंग बूथ होते थे लास्ट टाइम पर शिफ्ट कर दिए जाते थे यहाँ से दूसरी जगह, तो जो ज्यादातर लोग थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे वोटिंग में, उनको डिफिकल्ट हो जाता था। अभी एकदम से तुम चेंज कर दोगे बूथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो ज्यादातर लोग होंगे वो नहीं जाएंगे वोटिंग करने, है ना। साथ ही साथ में जो PRI थी वो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लगाती थी इलेक्शन में कैंपेनिंग के टाइम, और ये सब जो प्रैक्टिसेस हो रही थी इसी वजह से ये 2000 तक जीतती हुई आई इलेक्शन। तो देखो, हमने दोनों एग्जाम्पल पढ़े, चाइना का और मेक्सिको का। चाइना में हमें क्या देखने को मिल रहा था कि लोगों के पास कोई च्वाइस ही नहीं दे रहे हैं, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही कोई मेंबर होगा जो पार्टिसिपेट करेगा, तो ओबियस सी बात है वही बंदा उसी पार्टी का कोई ना कोई जीतेगा। अब तुम 10 लोगों के बीच वोट करवा रहे हो, सभी एक ही पार्टी के हैं, एक कोई जीतेगा तो होगा तो वो दूसरी उसी पार्टी का ना, तो वही चीज हमें देखने को मिलती है, कोई फेयर चॉइस नहीं मिल रही है लोगों को। वही अगर हम मेक्सिको का एग्जाम्पल लेके चलें, लोगों को चॉइस तो मिल रही है पर वो सिर्फ चॉइस नाम की है। प्रैक्टिकल वे में हम उसे देखेंगे तो कोई चॉइस नहीं मिल रही है वहां पर भी। जो रूलिंग पार्टी है उसको डिफीट करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, इवन जो वहां की जनता उसके अगेंस्ट है, पर वहां पर फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। पोलिंग बूथ हट जा रहे हैं बार बार, फोर्स किया जा रहा है पेरेंट्स को टीचर्स के द्वारा कि भाई वोट दो उन्हें, साथ ही साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ मनी कैंपेनिंग में जा रहा है। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं दोनों एग्जाम्पल्स में। सेकेंड फीचर है हमारा वो निकल करके आता है कि डेमोक्रेसी में एक फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और जो भी पार्टी पावर में है उसके पास भी एक फेयर चांस होना चाहिए लूजिंग का, मतलब वो भी हारने वाली जोन में जानी चाहिए कि हाँ भाई 50-50 चांसेस है ये हार भी सकती है और ये जीत भी सकती है, ओके। तो हमें यही सेकेंड फीचर देखने को मिलता है डेमोक्रेसी का। चलो, ये तो सेकेंड फीचर की बात होगी। अगर हम नेक्स्ट फीचर को लेकर के चलेंगे तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं सऊदी अरेबिया के। यहाँ पर 2015 तक वुमेन्स को राइट नहीं था वोटिंग का। वहीं अगर हम फिजी का एग्जाम्पल लेकर के चले, फिजी कंट्री है, वहां पर जो इंडियन फिजियन थे जो वैल्यू थी उनके वोट की वो बहुत कम थी एज कम्पेयर टू जो एक्चुअल में फिजियन थे।
साथ ही साथ में जो इस्तोनिया लेकर के चलते हैं, तो इस्तोनिया में जो रशियन माइनॉरिटी थी उनको सिटीजनशिप मिलने के उन्होंने इतने ज़्यादा रूल हैवी कर दिए थे कि तुम्हें सिटीजनशिप आसानी से मिल ही नहीं सकती है। तो बेसिकली जो रशियन माइनॉरिटी से पीपल जो बिलोंग करते थे उनको राइट टू वोट अधिकार मिलने में ही बहुत टाइम लगता था, और साथ ही साथ में बहुत डिफिकल्ट होता था उनको राइट टू वोट मिलने में। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी इन इन जगह। तो देखो इससे डेमोक्रेसी पे क्या असर पड़ रहा है, डेमोक्रेसी का जो बेस है वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, पॉलिटिकल इक्वेलिटी पर। यहाँ पर हमें पॉलिटिकल इक्वेलिटी ही देखने को नहीं मिल रही है, हर सिटीजन के पास उनका एक वोट नहीं है, और अगर वोट है भी तो उसकी वैल्यू नहीं है एक जैसी। जैसे हमने देखा फिजी में एक जैसी वैल्यू नहीं मिल रही है जो एक्चुअल फिजन है जो उस कंट्री के रहने वाले हैं, वहीं इंडियन फिजन में हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बात करें अगर हम सऊदी अरेबिया की तो वहाँ पर वुमेन्स को राइट ही नहीं है। अगर बात करते हैं हम इस्टोनिया की तो वहाँ पर सिटीजनशिप मिलने में ही बहुत टाइम लग रहा है। तो हमें यहाँ पर वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू देखने को नहीं मिल रही, और यहीं से हमें मिलता है डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर कि डेमोक्रेसी में ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। बेसिकली ईच पर्सन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, और यही चीज हमें देखने को मिलती है यहाँ। तो देखो तीन फीचर हम ऑलरेडी कवर कर चुके, पहला पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेकर के, दूसरा हमने समझा मेक्सिको और चाइना का एग्जाम्पल लेकर के, वहीं जो थर्ड हमने समझा वो समझा फिजी सऊदी अरेबिया और इस्टोनिया का एग्जाम्पल लेकर के। अब हम बात करेंगे जिम्बाब्वे की। देखो एग्जाम्पल सबसे रिलेट करते जाना तभी आपको याद रहने वाली हैं चीज़ें, वरना आप एकदम से कन्फ्यूज हो जाओगे और सब चीज़ें भूल जाओगे और घिचपिच हो जाएगी आपके दिमाग में। ओके चलो अब लेकर के चलेंगे एग्जाम्पल हम जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे की बात करें तो इसको इंडिपेंडेंस मिली 1980 में, तब से एक ही पार्टी जो है रूल करती हुई आ रही है वो है ZANU PF। इसके जो लीडर हैं वो है रॉबर्ट मुगाबे। अब देखो इलेक्शंस यहाँ पर भी रेगुलरली हो रहे हैं और हमेशा जीते जा रहे हैं ZANU PF के द्वारा। अब ऐसे कैसे ये हो रहा है, इनको भी वही चीज़ हमें देखने को मिली है जो हमने अभी देखा था मेक्सिको में कि जो पार्टी है वो अनफेयर प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करती हुई दिख रही है। क्या है ये अनफेयर प्रैक्टिसेस, चलिए देखते हैं। ओवर द ईयर्स ये जो गवर्नमेंट है वो चेंजेस लाती रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो पावर है प्रेसिडेंट के वो बढ़ाती रही, साथ ही साथ में जो भी इनके खिलाफ कुछ बोलता था उसको हरेस किया जाता था। जर्नलिस्ट हो गए, चाहे वो कोई और बंदा हो गया या पार्टी अदर पार्टी के वर्कर्स हो गए, उनको भी हरेस करने जाने लग गया। साथ ही साथ में अगर जो मीटिंग्स हो रही हैं अपोजिट पार्टी की उसको डिस्टर्ब कर देते थे, जो एक्टिविटीज हो रही हैं पब्लिक जो प्रोटेस्ट कर रही है इनके खिलाफ उसको इलीगल साबित करने जाने लग गया। जो कोर्ट से जजमेंट आते थे इनके खिलाफ या फिर इनके अगेंस्ट उसको ये पूरी गवर्नमेंट इग्नोर कर दिया करती थी बुरी तरीके से, और जो जज होता था उसको प्रेशराइज किया जाता था। पर आखिरकार 2017 में हम रॉबर्ट मुगाबे जो उनको फोर्सफुली हटाया जाता है उनके ऑफिस से, इससे कंक्लूजन क्या निकला अगर हम डेमोक्रेसी के फीचर की बात करें तो वो क्या निकल करके आया। देखो जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट रूल कर रही है उसको भी कुछ लिमिट, उसकी भी कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए। विद इन दैट बाउंड्री दैट गवर्नमेंट हैज टू वर्क। जो गवर्नमेंट रूल कर रही है वो राइट ऑफ सिटीजन तो नहीं छीन सकती है उनसे, यहाँ पर लोगों को जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको इलीगल घोषित कर दिया जा रहा है, वो चीज गलत हुई। यहाँ पर जो कोर्ट से जजमेंट्स आ रहे हैं उसको ये लोग अगेंस्ट चले जाते थे, जजेस को प्रेशराइज किया जाता है, इस चीजें गलत हो रही थी, ये राइट्स के खिलाफ हो रही थी। तो जो फाइनल फीचर हमारा निकल करके आता है डेमोक्रेसी का वो ये निकल करके आता है विद इन दैट बाउंड्री उनको वर्क करना चाहिए, साथ ही साथ में उसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए जो भी राइट्स दिए गए हैं सिटीजंस के उसको, या फिर सभी राइट्स के उसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और इसी के साथ हमारा जो फीचर्स है डेमोक्रेसी की वो खत्म होते हैं। आई होप आपको सभी फीचर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। पहला फीचर जो था हमारा वो यही था कि जो मेजर डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके हाथ में होनी चाहिए, जो इलेक्टेड वन है उसके हाथ में। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा था मेक्सिको और चाइना का कि एक फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए, हर किसी के पास एक 50-50 का चांस होना चाहिए जीतने का और हारने का। तीसरा जो फीचर था वो हमने देखा था कि ईच पर्सन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, हर पर्सन के पास एक वोट होना चाहिए और हर वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें फाइनल फीचर की जो कि हमने अभी देखा जिम्बाब्वे का एग्जांपल से कि जो गवर्नमेंट है जो रूल कर रही है उसको विद इन दैट बाउंड्री रूल करना चाहिए, साथ ही साथ में उसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए राइट्स की। तो चलिए इसी के साथ हमारी ये वीडियो हम खत्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे डेमोक्रेसी क्यों हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट है, क्यों हम डेमोक्रेसी को चूज करें। तब तक के लिए बाय बाय।